हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इनक्यूबेटर का जो अंडा होता है वो कैसे उसमें मतलब रखा होता है और कैसे उसको घुमाते हैं। उसके बाद में जब 6, 7, 8, 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो अंडे को कैसे चेक करते हैं, किस अंडे को चेक करते समय ये हम करते हैं कि ये अंडा फर्टाइल नहीं है या फर्टाइल है, तो वो बच्चा उसमें मर चुका है, या कौन सा अंडा अनफर्टाइल है। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये है अंडा, आप देख रहे होंगे। ये अंडा इसमें ऐसे रखा जाता है, इसमें ह्यूमिडिटी के लिए पानी लगाया जाता है नीचे से कुछ इस तरह, बीच में जाली होती है ताकि पानी भाप बन के ऊपर जाए और ह्यूमिडिटी बनी रहे। और फैन ये वेंटिलाइज़र का काम करता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अंडा चेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी लाइट है जो कि शॉक प्रूफ है, डीसी करंट, डीसी वोल्ट से चलती है, तो इसमें करंट वरेंट लगने का कोई ख़तरा नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं पहला अंडा, देखते हैं पहले अंडे का क्या प्रोसेस है। अभी अंडा ज़्यादा दिन का है नहीं, आप ये देख सकते हैं हल्की हल्की नस बन रही है इसमें। दोस्तों, ज़्यादा अंडा नहीं, 2 ही 4 अंडे चेक करेंगे क्योंकि सारे अंडे को हाथ लगाना सही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, बच्चा कैसे मूव हो रहा है। तीसरा अंडा हमने उठाया है, आप देख सकते हैं बच्चा हेल्दी लग रहा है और अच्छे से मूव कर रहा है। बाकी अब हम सारे अंडे को। तो दोस्तों, अभी जब मैं अंडा चेक कर रहा था तो एक गलती हो गई मुझसे। मैं अंडा चेक कर रहा था और मेरे हाथ से एक अंडा छूट गया जो कि ज़मीन पे गिरा और टूट गया, और उसमें बच्चा था, जिंदा था, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा हो गया मेरी गलती की वजह से, किसी की जान चली गई। तो हालांकि मैंने जानबूझ के नहीं किया है ऐसा, बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए चेक कर रहा था अंडा, उसी वक्त ऐसा हो गया। तो जो अंडा टूटा हुआ है उसको मैं दिखाता हूँ कि वो अंडा कौन सा। तो ये वो अंडा है, आप लोग देख रहे होंगे, जो कि ऊपर यहाँ से इनक्यूबेटर से यहाँ से गिरा है डायरेक्ट यहाँ पे, और ये टूट गया है। हालांकि 10-15 मिनट टाइम हो चुका है, इसके अंदर देख लीजिए आप, बच्चा है। ये आप देख लीजिए, हालांकि ये बेचारा जिंदा था। बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि थोड़ा हम मुझे देख के करना चाहिए था ये सारी चीज़ें, लेकिन जो होना होता है वो हो जाता है। ये हिल रहा था, हालांकि 10-15 मिनट हो चुके हैं ऊपर से गिरने के कारण, बस ये 5 मिनट ही ज़िंदा था, उसके बाद में मर गया। ये देखिए दोस्तों,
भाई दिल से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस है, और मैंने ये जान के गलती नहीं की है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या ऐसा करना ठीक था, अंडा चेक करते हुए लापरवाही करना ठीक था? आप लोग कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।